हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के लिए जो आपके लिए नया ड्रग लेके आया हूँ, ये है एट्रोपाइन इंजेक्शन। तो आज हम एट्रोपाइन इंजेक्शन को डिस्कस करेंगे कि जो एट्रोपाइन सल्फेट ड्रग है, ये किन किन कंडीशन के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, बॉडी में जाके किस तरीके से ये काम करता है। तो एट्रोपाइन के बारे में मुकम्मल डिटेल हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलें आज के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखना है कि जो एट्रोपाइन ड्रग है, एट्रोपाइन एक एमरजेंसी मेडिकेशन है जिसको आईसीयू के अंदर एमरजेंसी ड्रग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एट्रोपाइन मेडिकेशन को एक प्लांट बेलाडोना से रिमूव किया जाता है, बेलाडोना से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसका जो ताल्लुक है ये ड्रग्स के क्लास एंटीकोलिनर्जेटिक्स के साथ है और बॉडी के अंदर जाके ये हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर स्पेशली जो एसिटाइलिन कोलिन न्यूरोसेप्टर है बॉडी के अंदर, ये इसको जाके ब्लॉक कर देता है। एट्रोपाइन के अगर यूजेस की बात करें तो सबसे इसका मेन जो यूज है, एट्रोपाइन को इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग ब्रैकिकार्डिया। अब ब्रैडिकार्डिया होता क्या है कि पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो अचानक से बहुत ज्यादा कम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। तो हार्ट रेट की वैल्यू को नॉर्मल करने के लिए, हार्ट रेट को अपने पहले नॉर्मल बीट के ऊपर लाने के लिए जो एट्रोपाइन है इसको एमरजेंसी ड्रग के तौर पर आईसीयू के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्रैडिकार्डिया के अंदर फिर बता दूं होता क्या है कि पेशेंट के अंदर जो हार्ट रेट है ये बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, तो हार्ट रेट को दोबारा नॉर्मल वैल्यू के ऊपर लाने के लिए एट्रोपाइन इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। इसके अलावा ऑफ्थाल्मोलॉजी के अंदर इसका इस्तेमाल है, स्पेशली इसको जो ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट है, जो आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वो पेशेंट को देते हैं उसके जो पीपल होते हैं उनको डायलेट करने के लिए और पीपल्स को फैलाने के लिए, ताकि जो पेशेंट के पीपल्स है और पेशेंट की जो आई है इसको इजिली जो है वो एग्जामिन किया जा सके। तो आई एग्जामिनेशन के लिए और डिफरेंट किस्म की आई सर्जरीज और आई टेस्ट से पहले जो है ये एट्रोपाइन का इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है ताकि आंखों के जो पीपल है वो डायलेट कर जाए। इसके अलावा इसको इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रीट द नर्व एजेंट पॉइजनिंग, यानी ऐसे ड्रग्स या ऐसे पॉइजनिंग एजेंट जो नर्वस टॉक्सिसिटी की वजह बनती हैं, जो नर्वस सिस्टम के अंदर पॉइजनिंग की वजह बनते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे पास केमिकल वॉरफेयर एजेंट है जो जाके आपके नर्व्स के ऊपर इंट्रैक्ट करते हैं और नर्व्स के अंदर पॉइजनिंग क्रिएट करते हैं। तो नर्व पॉइजनिंग एजेंट को ट्रीट करने के लिए एंटीडोट के ऊपर इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है उनको ट्रीट करने के लिए बहुत बेहतरीन है एट्रोपाइन का स्पेशल इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग द आईबीएस, जिसको इरिटेबल बॉल सिंड्रोम हम कहते हैं। इसके अलावा जो पेप्टिक अल्सर होते हैं, स्टेबली जो स्टमक अल्सर है जिसमें सोर यानी हमारे जख्म डेवेलप हो जाते हैं स्टमक के अंदर, तो उन पेप्टिक अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए भी एट्रोपाइन का इंजेक्शन जो है ये दिया जाता है, जो बेसिकली जो मुख्तलिफ किस्म के गैस्ट्रिक जूस की सेक्रेशन होती है और मुख्तलिफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम जो स्टमक से रिलीज होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देता है, ताकि जो स्टमक अल्सर हैं, जो पेप्टिक अल्सर हैं, इनको हील किया जा सके और इनको ट्रीट किया जा सके। एनेस्थीजिया के अंदर इसको यूटिलाइज किया जाता है, स्पेशली पेशेंट के अंदर जो रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस होती हैं, जो पेशेंट की सांस की नाली में म्यूकस पैदा होता है, बलगम पैदा होती है, और एनेस्थीजिया के साइड इफेक्ट के अंदर जो स्लो हार्ट रेट हो जाता है उसको ओवरकम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ताकि बेहोशी के दौरान जो पेशेंट है उसका हार्ट रेट बहुत ज्यादा स्लो ना हो जाए और रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस को ब्लॉक करने के लिए, उसकी सांस की नाली को खुला रखने के लिए और म्यूकस को कम से कम सेक्रेट होने के लिए जो है इसको दिया जाता है, ताकि उसमें बलगम ज्यादा पैदा ना हो और उसका जो हार्ट रेट है वो बेहोशी के दौरान ज्यादा डिक्रीज ना कर दे। तो इसको मेंटेन करने के लिए एनेस्थीजिया के साथ जो है ये एट्रोपाइन को रिकमेंड किया जाता है। बहुत अच्छा ये एंटीडोट है, स्पेशली ड्यूरिंग द ऑर्गेनोफॉस्फेट जो पॉइजनिंग है। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या होते हैं, ये पॉइजनिंग की एक पूरी टाइप है, ये स्पेशल केमिकल एजेंट्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं एज अ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स के तौर पर इन घरों के अंदर और इनको क्रॉप्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो कीड़े मकोड़े हैं उनको मारने के लिए जो अद्वियात और स्प्रे इस्तेमाल करते हैं। तो वो अगर बाई मिस्टेकन अगर इंसान ले ले तो इंसान की बॉडी में जाके वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देंगे तो और इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो उन कंडीशन के अंदर एमरजेंसी ड्रग के तौर पर एट्रोपाइन को दिया जाता है और ये बहुत अच्छा एंटीडोट का काम करता है
और जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग एजेंट होती है इनके इफेक्ट को ये काउंटर करता है, और इसकी टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए जो है एट्रोपाइन का इंजेक्शन ये दिया जाता है। तो ये है हमारे पास एट्रोपाइन के यूजेस। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये बहुत सारे तरीकों से जाके बॉडी के अंदर काम करता है, कोई सिंगल इसका मैकेनिज्म नहीं है। पहला इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए होता है। ब्रैडीकार्डिया के अंदर जैसे पहले हम बात कर चुके हैं कि बहुत सारी ऐसी पेशेंट होती हैं जिनके अंदर जो हार्ट रेट है ये डिक्रीज कर जाता है। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है जब ये रेनफोर्स होता है तो हार्ट रेट बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। तो हार्ट रेट की वैल्यू को नॉर्मल करने के लिए एक्ट्रोपाइन का करता है कि जो सिंपथेटिक पैरासिम्पथेटिक जो नर्वस सिस्टम है इसका जो दिल के ऊपर इफेक्ट होता है इसको ये काउंटर कर देता है, इसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, ताकि जो हार्ट रेट है ये दोबारा अपने नॉर्मल वैल्यू के ऊपर आ जाए। तो पहला इसका इफेक्ट जो है हार्ट के ऊपर है, और हार्ट की जो बीट है अगर ये बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाए तो उसको नॉर्मल करने के लिए ये पैरासिम्पथेटिक जो इफेक्ट है जिसको वेगल इफेक्ट भी कहते हैं ये इसको खत्म कर देता है या उसको डिक्रीज कर देता है, ताकि हार्ट नॉर्मली जो है ये बीट करता रहे। सेकंड इसका इफेक्ट देखने का है स्मूथ मसल्स के अंदर, स्पेशली जो ब्रोंकाई है, लंग्स के अंदर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो खुराक की नाली है इसके ऊपर ये एक्ट करता है, इसके स्मूथ मसल्स के ऊपर, ये ब्लैडर के ऊपर एक्ट करता है, और ये डायलेशन करवा देता है, ओपन करवा देता है ब्रोंकाई को, जिसको ब्रोंकोडायलेशन कहते हैं, और इंटेस्टाइनल जो मोबिलिटी होती है ये इसको कम कर देता है, यानी स्मूथ मसल्स को प्रोटेक्ट करता है और उनकी मोबिलिटी को ये कम कर देता है। इसके अलावा जो आंखों के पीपल्स होते हैं ये पीपल्स के ऊपर एक्ट करता है और उनको डायलेट कर देता है। स्पेशली ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जब ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट यानी आंखों के डॉक्टर ने जब आंखों को एग्जाम करना होता है तो आंखों के एग्जामिनेशन के लिए पीपल्स को डायलेट किया जाता है, ताकि इजिली जो है वो जो आंखों के आंख है आंख के स्ट्रक्चर को इजिली जो है वो देखा जा सके और उसके अंदर जो भी डिजीज है इसको जो है वो डायग्नोज किया जा सके। तो पीपल्स के ऊपर ये इफेक्ट करता है, और जो मसल्स होते हैं ये इनको आयरस के स्पेशली जो मसल्स होते हैं ये इनको थोड़ा रिलैक्स कर देता है। इसके अलावा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये ग्लैंड्स को प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली माउथ के अंदर जो ग्लैंड है हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, इसके अलावा डाइजेस्टिव जितने भी ग्लैंड हैं, स्टमक के अंदर जो ग्लैंड है, इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड है, ठीक है, ये उनको प्रोटेक्ट करता है और इनकी सिक्रीशन को ये या तो कम कर देता है या कुछ वक्त के लिए ब्लॉक कर देता है, जिससे जो माउथ हमारा ड्राई होना शुरू हो जाता है, स्वेटिंग डिक्रीज हो जाती है क्योंकि स्वेट मसल्स को ये कुछ देर के लिए ब्लॉक कर देता है, और जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन होती है उनको भी कम कर देता है। तो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बॉडी में जाके ये किस तरीके से काम करता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो लंबी लिस्ट है साइड इफेक्ट्स की, कुछ इनमें से खतरनाक है और कुछ ऐसे हैं कि जिनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये जो स्लाइवा होता है माउथ के अंदर उन ग्लैंड को ये ब्लॉक कर देता है, तो ड्राई माउथ की ये वजह बनता है, माउथ के अंदर और थ्रॉट के अंदर जो है ये ड्राइनेस क्रिएट हो जाती है इसको इस्तेमाल करने से। इसके अलावा इससे जो है वो विजन ब्लर्ड हो जाती है, आपको कुछ वक्त के लिए जो है वो चीजें आपको धुंधली नजर आएंगी। इससे हार्ट रेट पेशेंट का इंक्रीज हो सकता है क्योंकि ये मोस्टली दिया जाता है ब्रैडीकार्डिया के दौरान जब हार्ट रेट पेशेंट का बहुत ज्यादा कम होता है, तो अक्सर पेशेंट के अंदर ये भी रिपोर्ट हुआ है कि हार्ट रेट उनका अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो जिसको ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। तो ये साइड इफेक्ट देखने का है क्योंकि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के मोबिलिटी को ये स्लो कर देता है, तो इस वजह से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की वजह बनता है, यूरिनरी रिटेंशन की वजह बनता है, यूरिन ब्लैडर से पूरी तरीके से रिलीज नहीं हो पाता, यूरिनेशन सही तरीके से नहीं हो पाती क्योंकि जो यूरिनरी ब्लैडर के मसल है उनको ये रिलैक्स कर देता है, क्योंकि स्मूथ मसल्स के ऊपर ये प्राइमरीली एक्ट करता है और उनको जो है उनके उनको रिलैक्स करने की ये वजह बनता है। तो यूरिनरी टेंशन हो जाएगी, यूरिन कुछ ना कुछ ब्लैडर के अंदर रह जाएगा, मुकम्मल तौर पर यूरिनेशन नहीं हो पाएगी। कुछ लोगों के अंदर सेंसिटिविटी देखी गई है लाइट को, जिसको फोटोफोबिया कहते हैं, तो क्योंकि पीपल बहुत ज्यादा डायलेट हो जाते हैं तो जब तेज रोशनी में आंखें खोलेंगे तो आंखें नहीं खुलेगी, फोटोफोबिया हो जाएगा कुछ वक्त के लिए। कुछ पेशेंट के अंदर हेलुसिनेशन और कंफ्यूजन देखने के अंदर आई है, अजीबो गरीब ख्यालात उनके ब्रेन के अंदर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं सम टाइम के लिए। इनक्रीज बॉडी टेम्परेचर इसका साइड इफेक्ट है क्योंकि ये स्वेटिंग को रोक देता है और हाइपरथर्मिया की वजह बनता है, स्पेशली जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो स्वेटिंग हमारी बॉडी के अंदर उतनी नहीं हो पाती क्योंकि स्वेट ग्लैंड को इसने ब्लॉक करना होता है, तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। और कुछ पेशेंट के अंदर एलर्जेटिक रिएक्शंस के अंदर देखने आपको आया, रैशेज हो सकते हैं स्किन के ऊपर या सिवियर किस्म के रिएक्शन हो सकते हैं।
तो ये कुछ साइड इफेक्टर है एट्रोपाइन के। अगर डोजेस की बात करें कि कितना डोज है वो रिकमेंडेड है, तो 0.1 से लेके 1 मिलीग्राम आईवी के रिकमेंड किया जाता है। 3 से 5 मिनट तक लगातार ये पेशेंट को दिया जाता है और मैक्सिमम इसका डोज 3 से 5 मिनट के लिए 3 मिलीग्राम किया जा सकता है। ये आईसीयू में दिया जाता है डोज ड्यूरिंग दी ब्रैडिकार्डिया, जब पेशेंट का हार्ट रेट बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है, तो ये 3 से 5 मिनट के लिए इसको 0.5 से 1 मिलीग्राम का डोज दिया जाता है, लेकिन 3 मिलीग्राम से ज्यादा डोज नहीं दिया जाता। अगर बच्चों के अंदर देखें तो 0.02 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से रिकमेंड किया जाता है कि अगर 1 किलोग्राम का बच्चा है तो उसको 0.02 देंगे, और मैक्सिमम इसका जो डोज बच्चों के अंदर है वो 0.5 मिलीग्राम तक बढ़ाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अब फथमल के यूज की बात करें कि फथमोलॉजी आंखों के अंदर अगर इसका इलाज करें तो इसको ड्रॉप्स की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ स्ट्रेंथ में आते हैं। तहम जो ऑप्टिमम इसकी रेंज है ये 0.1% से लेके 0.5% से लेके 1% तक रिकमेंडेड इसकी नॉर्मल रेंज है, जिसको ड्रॉप की सूरत में, लिक्विड की सूरत में आंखों के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ब्रांड नेम अगर देखें तो एट्रोपाइन पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे नेमों के साथ आता है, तो कुछ हमारे पास यहाँ पे मशहूर इसके जो है ये ब्रांड नेम है, जैसे जो एट्रोपेन है ऑटो इंजेक्टर की सूरत में ही आता है और पेस्टिसाइड पॉइजनिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, एट्रोपाइसोल के नाम से आता है और सोल्यूशन की सूरत में होता है, आंखों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आइसोप्टो और एट्रोपाइन की शक्ल में आता है और ये भी आंखों के ड्रॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सॉल्ट्रोपिन के नाम से ये टैबलेट और इंजेक्शन दोनों की सूरत में अवेलेबल है। एट्रोपाइन सल्फेट ये इसका ज्यादा ब्रांड नेम मशहूर है और वर्ल्ड वाइड मोस्टली इसी नाम से जो है ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है एट्रोपाइन सल्फेट के नाम से। एट्रोपेयर आई ड्रॉप की सूरत में ही है, एट्रोपिना के नाम से आई ड्रॉप इंजेक्शन और टैबलेट तीनों सूरतों में मार्केट में अवेलेबल है, और मिनिमस एट्रोपेन के नाम से है, सिंगल आई ड्रॉप का ये डोज होता है जिसको आंखों के अंदर डाला जाता है। तो ये कुछ मशहूर हमारे पास इसके ब्रांड नेम है जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। सो दोस्तों ये था हमारे पास एट्रोपाइन इमरजेंसी ड्रॉप के बारे में, उसके मैकेनिज्म फैक्शन के बारे में, उसके यूजेस के बारे में और उसके साइड इफेक्ट के बारे में। होप सो दैट आपको वीडियो पसंद आई हो। मजीद ऐसी मेडिसिन की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।